हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रेजी टेक। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि सीडी अपने अंदर डाटा स्टोर कैसे करती है। तो शुरू करते हैं। हम सबको कभी ना कभी शायद क्वेश्चन आया होगा मन में कि सीडी डीवीडीज में डाटा स्टोर कैसे होता है। ये जो भी डाटा रहता है सबसे पहले इसे कोड कर दिया जाता है बाइनरी कोड्स में, यानी जीरो और वन में इन डाटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। तो हमारा जितना भी म्यूजिक डाटा रहता है, वीडियो फाइल्स रहती है, सब जीरो और वन के कोड में रहता है, और इसकी वजह से हमारा डाटा बहुत ईजिली सीडी में स्टोर हो सकता है। तो जो सीडी होती है उसके अंदर एक मास्टर डिस्क होती है, इसको लेजर के थ्रू बर्न करा जाता है, यानी बर्न मतलब जलाया जाता है, और उसके अंदर और वो क्रिएट करता है एक बम्प जिसको पिट कहा जाता है, और जो एरिया में अनबर्न एरिया रहता है जहाँ पर ये फ्लैट रहता है उसे लैंड कहा जाता है। तो ये जो बर्न एरिया रहता है यानी जो पिट रहता है, जो बम्प क्रिएट होता है वो जीरो को रिप्रेजेंट करता है, वही जहाँ पर वो जो लैंड एरिया जो फ्लैट एरिया है वो वन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे हम लोग इस डाटा को स्टोर करते हैं। हम अगर नेकेड आई के थ्रू अगर इसे देखने की कोशिश करें तो हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और एक सीडी में ये से 2 से 5 बिलियन तक ऐसे पिट और बम्प्स होते हैं। तो ऐसे अब हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हैं। और ये अगर ये स्पाइरल को निकाल दिया जाए तो ये 6 किलोमीटर तक ऐसे हम लगा सकते हैं। अगर एक लाइन में लगाए तो हम 6 किलोमीटर तक इसे लगा सकते हैं। तो ये स्पाइरल आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा होगा। तो सीडी और डीवीडी का मैं आपको एक बार डिफरेंस बता दूँ। सीडी रहती है उसके अंदर आप बस कम डाटा स्टोर कर सकते हो, डीवीडी में ज़्यादा कर सकते हो। मतलब सीडी के अंदर डीवीडी के अंदर और ज़्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से वो डाटा स्टोर होता है। अगर तो पहले सीडी 1980s में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, लेकिन जब हम सिर्फ इसे रीड कर सकते हैं, हम इसके अंदर खुद रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, ना इसे रीराइट कर सकते थे, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। और जब कंप्यूटर डेवलपर ने ये सोचा कि इसमें प्रोग्राम जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम उसे बेचना ज़्यादा आसान होगा, ये भी सोचा कि अगर हम इसे रिकॉर्ड कर सकें तो ये चीज़ और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी। तो फिर उन्होंने एक रिकॉर्डेबल सीडी बनाई, यानी सीडीआर, और फिर कहते कंप्यूटर डेवलपमेंट और भी डेवलप करें और इसे रीराइटेबल भी बनाया ताकि हम इसे वापस यूज़ कर सके, तो सीडीडब्ल्यूआर हुआ। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सीडी रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्डेबल सीडी कैसे वर्क करती है। बात करें वो पिट्स एंड बम की, अगर वो टेक्निक हम इसमें यूज़ करें तो हमें घर में बड़ा सा सीडी प्रेस रखना पड़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगा। तो इसकी एकदम ज़्यादा ही अलग टेक्नोलॉजी है, मतलब अलग तरीके से इसका यूज़ हुआ हुआ है। मतलब इसमें पिट्स एंड बम का यूज़ नहीं किया गया, मतलब पिट्स और फ्लैट लैंड का यूज़ नहीं हुआ हुआ है, जबकि इसके अंदर एक एल्यूमिनियम की लेयर है और उस एल्यूमिनियम की लेयर के ऊपर एक डाई है। तो जब भी ये जो डाई रहता है ये इसके अंदर जो लेज़र ऊपर से इसके अंदर जो लेज़र यूज़ करता है हाई पावर लेज़र रहता है, तो ये डाई रहता है लेज़र इसको बर्न करता है। बर्न मतलब ये सही में कुछ जलाता नहीं, लेकिन ये कंबस्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो एरिया ब्लैक स्पॉट बन जाता है। और ये जो ब्लैक स्पॉट रहता है वो रिप्रेजेंट करता है जीरो को, और वही जो सरफेस अनबर्न रहता है और जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो रिप्रेजेंट करता है वन को। तो ये टेक्निक के ना एक एल्यूमिनियम की लेयर रहती है, उसके ऊपर एक डाई रहता है जो कि जलता है। तो अगर हम इसकी बात करा जाए तो इसे हम सिर्फ एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद हम ऑब्वियसली इसको इरेज नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसको एक बार जो रिकॉर्ड कर दिया हो गया। तो अब हम आते हैं रीराइटेबल के, मतलब अब इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज हुई हुई है, जो कि हमने डाई में देखा था और जो पहले की सीडीज में देखा जिसे हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते पिट्स एंड बम। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा अपने स्कूलों में कि मॉलिक्यूल्स 3 स्टेज में होते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। उसमें से कुछ सॉलिड ऐसे रहते हैं जो कि कहते अलग अलग स्टेज में चले जाते, मतलब एक ही सॉलिड, जैसे कि कार्बन जो कि ग्रेफाइट में भी है और डायमंड में भी है, बट डायमंड में वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, वही ग्रेफाइट में कम कॉम्पैक्ट है। तो ऐसे ही एक मटेरियल इसके अंदर यूज हुआ है, इसे सॉलिड फेस कहते हैं। इसके अंदर एक मेटलिक एलॉय की लेयर लगाई गई है, क्रिस्टलाइन होती है, सॉलिड फॉर्म में ये बार बार चेंज होता है, इसे फेस चेंज या फिर फेस शिफ्ट कहा जाता है। तो ये कभी कभी क्रिस्टलाइन होता है और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा रैंडमली जंबल्ड रहता है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। जो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, जहाँ क्रिस्टलाइन में क्या होता है वो ट्रांसलूसेंट रहता है, तो उसके अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वो वन को रिप्रेजेंट करता है। वही जहाँ पर ये और ज़्यादा जंबल्ड हो जाता है वो एरिया रहता है एकदम उससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो जीरो को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो रहता है इसे एमॉफर्स सॉलिड कहा जाता है,
और जब भी इसके ऊपर लेजर हिट करती है तो ये अपना चेंज करता है। तो हम इसके इसके वजह से हम बार बार बहुत इजीली इसे यूज कर सकते हैं। तो इस टेक्निक से हम लोग ये सीडी को बार बार रिराइट कर सकते हैं, क्योंकि हम ये टेक्निक को जितने चाहे वितने बार कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड को हम बार बार कहते क्रिस्टलाइन कर सकते हैं, बार बार हम उसे जम्बल कर सकते हैं लेजर्स के थ्रू। तो अब तो आपको समझ ही गया होगा कि सीडी कैसे रिकॉर्ड करती है या फिर अपना डाटा कैसे स्टोर करती है और आप कैसे इसके ऊपर रीराइट कर सकते हो। तो इसी के साथ मेरा अच्छी वाली यहीं का, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गिव अ लाइक एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, जो लाल बटन से दबा दीजिए। और प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए फिर कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो कैसी थी या नेक्स्ट वीडियो में किस बनाना। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।